आयुष्य योग दीर्घायु अल्पायु और मध्यायु। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम ज्योतिष का एक एक विषय का शास्त्रोक्त पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। हर विषय को विस्तार से समझाने का मेरा प्रयास है। उस अनुसार आज हम आयुष्य योग इस विषय पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। यह पूरी जानकारी शास्त्रीय होने के कारण एक बार सुनने पर यदि आपको समझ न आए तो पुनश्च सुने, ताकि आपका अध्ययन परिपूर्ण हो। विषय को लेकर यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। स्मरण रहे कि केवल मैसेज करें, कॉल कतई न करें। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूँगी। साथ ही यह जानकारी अगर पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलें, ताकि यह ज्योतिष ज्ञान दूसरों तक भी पहुंच पाए। ज्योतिष के माध्यम से मनुष्य जीवन का अध्ययन करते समय आपके मन में एक प्रश्न अवश्य उपस्थित होता होगा कि कुंडली के ग्रह स्थिति को देखकर जातक के जीवन का शुभ अशुभ काल बताया जा सकता है, तो क्या मृत्यु समय भी देखा जा सकता है, अर्थात क्या कुंडली से आयुष्य योग देखा जा सकता है। यदि देखा जा सकता है तो उसे कैसे देखा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हाँ है, अर्थात उसके लिए ज्योतिष का अत्यंत गहराई से अध्ययन करना आवश्यक होता है। अध्ययन के द्वारा कुंडली के विभिन्न योगों का अध्ययन करना पड़ता है, जिससे हमें उस समय की जानकारी हो सकती है। लेकिन जातक को आयुष्य योग के संदर्भ में या उसके मृत्यु के संदर्भ में बताना ज्योतिष नियमों के अनुसार वर्ज्य माना गया है। यह एक अलिखित नियम है, फिर भी ज्योतिष के अध्ययनकर्ता होने के नाते आपके लिए मृत्यु के कारक योगों का विश्लेषण और उनका अध्ययन करना आवश्यक है। उनका भी संबंध ग्रहों की महादशा और अंतरदशा से होता है, इसीलिए आज हम आयुष्य योग का अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही इस विषय का संबंध केवल जातक के मृत्यु से नहीं, बल्कि जीवन में होने वाली परेशानियां और बाधाओं से होता है। सामान्य रूप से मेरी कुंडली का आयुष्य योग बताइए, मेरी मृत्यु कब होगी, ऐसे प्रश्न लेकर ज्योतिषी के पास कोई नहीं आता। जातक को भी पता होता है कि कोई भी ज्योतिषी इस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। साथ ही मृत्यु का ज्ञान इन्हें हो सकता है, इस पर जातक का विश्वास भी नहीं है। उनका यह विश्वास हमने बरकरार रखना चाहिए, अर्थात मृत्यु के संदर्भ में जातक को कभी भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन ज्योतिषी होने के नाते जब कोई कुंडली मिलान के लिए हमारे पास आता है, तब कुंडली में आयुष्य योग अवश्य देखना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों के कुंडली में सब कुछ अच्छा है, लेकिन दोनों में से किसी एक का जीवन कम है तो उस कुंडली का मिलान करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम पर विश्वास रखकर जो कुंडली मिलान के लिए आते हैं उन जातकों का एक दृष्टि से हम विश्वासघात करते हैं। यदि आगे चलकर कुछ अनर्थ हो जाए तो दोष कुंडली मिलान करने वाले अर्थात ज्योतिषी को दिया जाता है और ज्योतिष शास्त्र की विश्वसनीयता कम हो सकती है। आयुष्य योग देखते समय यह आवश्यक नहीं है कि हम उस जातक को या कुंडली मिलान के लिए जो आए हैं उन्हें यह सारी बातें बताएं। हमारे पास जो जातक आते हैं उनको हम पर और ज्योतिष पर विश्वास होता है, इसीलिए वे कुंडली मिलान के लिए हमारे पास आते हैं। मान लीजिए कि दोनों कुंडलियों में अच्छे गुण मिलन हो रहा है, लेकिन किसी एक की कुंडली में आयुष्य योग कम है, तो केवल कुंडली मिलान हो नहीं सकता या गुण मिलान हो नहीं सकता, इतनी ही बात स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए। ज्योतिष के अध्ययनकर्ता एवं सेवाकर्ता के रूप में हमारी यह जिम्मेदारी बनती है। ज्योतिष के अनुसार
जीवन को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम भाग अल्पायु, वह जन्म से 32 वर्ष तक रहता है। दूसरा भाग मध्यम आयु कहा जाता है, वह 32 वर्ष से 64 वर्षों तक रहता है। तीसरा भाग पूर्णायु योग होता है और वह 64 वर्ष से आगे का रहता है। कुंडली में ग्रहों के संदर्भ में अल्पायु, मध्यायु और पूर्णायु कहा जाए तो लग्नेश और अष्टमेश के अनुसार वे जिस राशि में विराजमान है उस अनुसार उन्हें विभाजित किया जाता है। उस विभाजन को अब हम समझने वाले हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश एक ही समय पर स्थिर स्वभाव के राशि में हो तो वह स्थिति जातक के लिए अल्पायु सिद्ध होती है। साथ ही लग्नेश स्थिर स्वभाव राशि में और अष्टमेश चर स्वभाव राशि में हो तो वह स्थिति जातक के लिए मध्यायु सिद्ध होती है। इसके अलावा कुंडली में लग्नेश स्थिर स्वभाव राशि में और अष्टमेश द्वि स्वभाव राशि में हो तो वह स्थिति जातक के लिए पूर्णायु सिद्ध होती है। कुंडली में लग्नेश द्वि स्वभाव राशि में और उसी समय अष्टमेश चर स्वभाव राशि में हो तो जातक के लिए वह स्थिति अल्पायु योग कारक रहती है। साथ ही कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही द्वि स्वभाव राशि में हो तो वह स्थिति जातक के लिए मध्यम आयु योग कारक रहती है। इसके अलावा लग्नेश द्वि स्वभाव राशि में और अष्टमेश स्थिर स्वभाव राशि में हो तो वह स्थिति जातक के लिए पूर्णायु होती है। कुंडली में लग्नेश चर स्वभाव राशि में और अष्टमेश द्वि स्वभाव राशि में हो तो वह स्थिति जातक के लिए अल्पायु कारक होती है। लग्नेश चर स्वभाव राशि में और अष्टमेश स्थिर राशि में हो तो वह जातक मध्यम आयु होते हैं। साथ ही लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर स्वभाव राशि में हो तो वह स्थिति जातक के लिए पूर्णायु कारक होती है। आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं ताकि आप बाद में भी इस सब्जेक्ट का पढ़ाई कर पाए। इस प्रकार लग्नेश और अष्टमेश ग्रहों के राशि के अनुसार योगों को विभाजित किया जाता है। इसी पद्धति से जीवन का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। मृत्यु काल के निर्धारण के लिए कुंडली में स्थित कुछ मुख्य ग्रह स्थिति को ध्यान में लेना अत्यंत आवश्यक होता है। चंद्रमा जिस राशि में स्थित है उस समय राशि का स्वामी जन्म समय में चंद्र, जन्म काल में शनि, लग्नेश एवं अष्टमेश जिस राशि में विराजमान होंगे उस राशि का स्वामी जैसे सभी ग्रह स्थिति का अवलोकन करना अत्यंत आवश्यक होता है। रवि से पंचम, षष्ठम एवं अष्टम एवं नवम स्थान में जो ग्रह विराजमान है उन पर जब शनि का गोचर होता है तब मृत्यु होने की संभावना अधिक रहती है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। अब हम जीवन में कष्टदायक स्थिति के लिए जिम्मेदार माने जा सकती हो ऐसी ग्रह दशा को समझने का प्रयास करेंगे। जन्म कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग के बिंदुओं को देखें तो जिस राशि में सबसे कम बिंदु होंगे उस राशि से जब शनि का गोचर शुरू हो तो जीवन में कष्टदायक स्थिति बनने की संभावना रहती है। मान लीजिए किसी कुंडली में चतुर्थ स्थान में सिर्फ 18 बिंदु है
और शनि का गोचर कर्क राशि से शुरू है तो जीवन में कष्टदायक स्थिति बनने की संभावना रहती है। कुंडली के षष्टम अष्टम एवं द्वादश स्थानों को त्रिक स्थान कहा जाता है। त्रिक स्थानों के स्वामी अपनी महादशा या अंतरदशा में जातक को अशुभ फल प्रदान कर मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। कुंडली के द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान को मारक स्थान कहा जाता है, जिस कारण मारक स्थान के स्वामी को मार्केश कहा जाता है। यह मार्केश भी अपनी महादशा या अंतरदशा में जातक के लिए अत्यंत कष्टदायक स्थिति निर्माण कर जीवन के संदर्भ में यातना देता है। कुंडली में अष्टमेश या अष्टम स्थान में स्थित ग्रहों को छिद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। वे अपनी महादशा में या अंतरदशा में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करते हैं। कुंडली में अष्टमेश की महादशा यानी इस कुंडली के लिए मंगल की महादशा में उसी ग्रह के अंतरदशा हो यानी मंगल में मंगल की अंतरदशा हो तो वह जातक के लिए अत्यंत कष्टदायक होती है। कुंडली के अष्टमेश की महादशा में अष्टम स्थान में स्थित ग्रह की अंतरदशा हो तो वह भी जातक को कष्ट प्रदान करती है। कुंडली के अष्टमेश की महादशा में अष्टमेश की ही अंतरदशा हो तो उस अवधि में जातक को कष्ट उठाने पड़ते हैं। इस ग्रह स्थिति के कारण जातक को विशेष रूप से असाध्य बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है। कुंडली के अष्टमेश की महादशा में द्वादशेश की अंतरदशा शुरू हो तो जातक के लिए कष्टदायक होती है। कुंडली के अष्टमेश की महादशा में मार्केश ग्रह की अंतरदशा शुरू हो तो वह भी जातक के लिए कष्टकारी होती है। कुंडली के अष्टम स्थान में स्थित ग्रह की महादशा में षष्ठ स्थान में स्थित अशुभ ग्रह की महादशा अंतरदशा शुरू हो तो जातक को अशुभ फल प्रदान करते हैं। मान लीजिए यहाँ रवि की महादशा में मंगल की अंतरदशा दशा हो तो जातक को अशुभ फल प्राप्त होते हैं। कुंडली में द्वादशेश की महादशा में द्वितीय स्थान से गठबंधन करने वाले ग्रह की अंतरदशा शुरू हो तो वह जातक को कष्टदायक रहती है। मान लीजिए गुरु और यह शुक्र इन दोनों का गठबंधन है और गुरु में शुक्र की अंतरदशा शुरू है तो जातक के लिए कष्टदायक होती है। कुंडली में द्वादश स्थान में स्थित ग्रह की महादशा में द्वितीय स्थान में स्थित ग्रह की अंतरदशा शुरू हो तो वह जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देती है। यानी बुध ग्रह की महादशा में रवि की अंतरदशा शुरू हो तो कुंडली के षष्ठ स्थान के स्वामी की महादशा शुरू हो और उसी में अष्टमेश की अंतरदशा आए तो उससे भी जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। यानी बुध की महादशा में मंगल की अंतरदशा आए तो जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस विषय को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आज हम यही रुकते हैं। मैं आपको पुनश्च बताना चाहूँगी, यह पूरी जानकारी शास्त्रीय होने के कारण हो सकता है एक बार सुनने से समझ ना आए, इसीलिए पुनश्च अवश्य सुने, पूर्ण रूप से समझ ले ताकि आपका ज्योतिष ज्ञान परिपूर्ण हो सके। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद।